वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और ब्रेक से पहले तो भाई बहुत ज़्यादा आपको सारा क्रेडिट आपको दे दिया। नो डाउट एक घर को संवारने का या बसाने का जो क्रेडिट है उसमें नो डाउट ख़वातीन का या माँ का हाथ ज़रूर होता है। जब ये कुर्बानी आपसे मांग रहे थे तो तब कैसे आपने एक्सेप्ट किया? कभी गुस्सा नहीं आया? कभी फ्रस्ट्रेशन हुई लाइफ के किसी हिस्से में आके कि यू नो इंसान थकावट का शिकार हो जाता है कि आपका करियर पीक पे रहा हो और घर बैठे बच्चों की जिम्मेदारी निभाना कभी मुश्किल लगा? नहीं, हर दिन मुश्किल लगता था, लेकिन फिर इतना ज़्यादा एक वो था ना कि करना तो है, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों को संभालना, छोटे बच्चों को और अकेले बिल्कुल, क्योंकि इनकी फैमिली सारी इस्लामाबाद पिंडी में होती थी और बाकी रिश्तेदार हवेलियाँ में, तो मेरे अकेले संभालना, इनको संभालना, ये भी एक बेबी है, हाँ इनको संभालना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं खाने पीने में और चीज़ों में। वो जो टिपिकल शौहर होते हैं जो खाने में आज नमक कम है, आज जो है वो प्याज नहीं सही से हुआ, वो इस तरह का तो नहीं कुछ थोड़ा सा शौक है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, टिपिकल से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा हाँ, तो वो मुश्किल लगता है। मैं बता देता हूँ कि मसाला थोड़ा सा जल गया है या मसाला कच्चा रह गया है या प्याज प्रॉपर ब्राउन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? मुझे आता है खुद जो बनाना आता है मैं पकड़ लेता हूँ। दो लौंग ज़्यादा डल गए हैं, अब सारे खाने में लौंग का ही टेस्ट है, खाने का टेस्ट ही खत्म हो गया। कभी इस बात पे आप खफा नहीं? जब मेरी भी मियाँ की कुछ ऐसी ही आदत है, तो मैंने शुरू में खाना जब उनके लिए बनाना शुरू किया ना, तो वो हर चीज़ में कि इसमें तो ज़ीरा तेज़ है या इसमें काली मिर्च ज़्यादा हो गई है या ये, तो मुझे शुरू में तो मैंने कुछ नहीं कहा, बाद में मैंने कहा मैंने नहीं बनाना भाई, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, ये क्या बात है। ये भी कहती हैं भाई मैं थक गई हूं, लेकिन होता है कभी कुक भी आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, क्या करें। वो मुश्किल लगता है और लेकिन फिर सोचा हुआ है कि करना है और यही लाइफ है, इसी तरह ही गुजरती है। तो फिर देखिए एक टाइम आता है जिंदगी में, आपने फिर ये शोबिज तो खत्म ही होना है, हर वक्त आपने हीरवन तो नहीं रहना है, घर फिर उस वक्त घर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले घर बना लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों की तरबियत का टाइम भी फिर गुजर चुका होता है ना, उस वक्त तक उनकी अटैचमेंट कहीं और हो गई होती है। आप घर को सेट कर लें, आप दोबारा भी काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतना। तो बच्चे ज्यादा अटैच्ड किसके साथ हैं आप दोनों में से? माँ के साथ। मेरे साथ है, मेरे साथ सब बातें करते हैं और इनसे डरते हैं बहुत ज्यादा, कहते हैं बस मामा बाबा के सामने ना जुबान जो है ना वो पता नहीं अंदर ही चली जाती है। मेरे सामने मैं कहता हूँ उन्हें मुझे बताया क्यों, मुझे नहीं बताते इसको बताते। तो कोई बात मनवानी जब हो तो ऑब्वियसली आपके पास आके पहले बिल्कुल फरमाइश रखते होंगे कि अब आपने जो मनवानी हो तो मुझे नहीं कहते। अच्छा, ना मनवाने वाली बात भी इनको ही कहते हैं, मनवाने वाली भी इनको, मुझे मैं उनसे खुद कहता हूँ यार मैं कब तुम्हें इतना वो, लेकिन वो कहते हैं माँ को कि पता नहीं बाबा से। तो फिर ये आराम से बांध जाते हैं या आपके साथ भी थोड़ा सा? नहीं, ये थोड़ा सा पहले फील करते हैं कि मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं कहा। अच्छा। वैसे वो बच्चे हर बात मैं उनसे पूछती हूँ, हर बात शेयर करते हैं और ये और फ्रेंड्स की तरह हैं हम बिल्कुल बच्चों के साथ ना, मैं काफी आउटिंग पे ये क्यों डरते हैं? हमने तो जो लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल से उनके लिए तो ये बात मानना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, पेरेंट्स में से मुझे लगता है कि एक का थोड़ा सा डर होना चाहिए और खास तौर पे बॉयज। मैंने बचपन में जरा बड़ा सख्त रखा है उन्हें, बहुत छोटे थे तो बहुत डरा के रखा है। क्या वजह क्या रही? पढ़ने के लिए बहुत, के मतलब एक कॉपी भूला एक दिन, उसको मैंने इतना डांटा, वो फिर जरा फिर उसने कभी कॉपी नहीं भूला और इस तरह की कि छुट्टी नहीं करनी, और उसके बाद जब वो थोड़े समझदार हुए ना, ना उनको ट्यूटर की ज़रूरत थी ना उनको कहने की ज़रूरत थी कि बैठ के पढ़ो, बल्कि मैं कहता था यार बस कर दो ज़रा बाहर भी निकलो, वो नहीं बाबा वो थोड़ा सा ये, उनको बिठाना नहीं पड़ा दोनों को, बड़े की डांट को देखते हुए ना छोटा पहले ही सेट हो गया। और माशाल्लाह बेटे के तो मैं भी ब्रेक से प्रोग्राम से पहले भी गुफ्त की, वो तो हाइट आप दोनों से मेरे ख्याल से कि नंबर काट गया है आप दोनों की, माशाल्लाह टॉल हैंडसम और इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर लिए, छोटे बेटे के भी इरादे हैं, जैन के भी इरादे हैं, जैन के भी हैं, जैन को सिंगिंग का शौक है और मुझे लगता है कि वो अगर एक्टिंग भी करेगा तो वो बहुत अच्छी करेगा। अक्सर लोग इनकी वीडियोस वगैरह देखकर बड़ा बेटा डांस की वीडियो या कोई एक्टिंग इस तरह की वीडियोस लगाता रहता है,
और उसने माशाल्लाह प्ले किया है, आगे भी कर रहा है वो काम। तो अक्सर कमेंट्स में आता है कि ये क्या सिखाया है माँ बाप ने इनको, भाई मैंने तो उनको पढ़ना सिखाया है मैंने उनको वो कुछ और भी तो सारा कुछ दीन की सारी तालीम पढ़ाई और ये सारी चीज़ें मैंने इनको सिखाई है, एटिकेट्स वगैरह। मैंने उनको एक्टिंग नहीं सिखाई, मैंने उनको डांस नहीं सिखाया। सोशल मीडिया से कभी आप लोग तंग आते हैं कि कभी अब लोगों के हर एक के हाथ में फ़ोन चला गया है, यू नो आप जैसे व्लॉग्स भी करते हो, आप यू नो अपनी एक जिंदगी अपनी शेयर करती हूँ ना लोगों के साथ, और स्टार्स जो हैं वो हमेशा से हम सुनते हैं ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया, हर एक के हाथ में फ़ोन चला गया है, लोग लिहाज अदब तहजीब कभी लगता है भूल गए हैं या क्या हो गया। लेकिन अगर किसी का देखे ना तो सोशल मीडिया इस तरह तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके जो मैसेज आते हैं ना वो 99% जो हैं वो तारीफ के और इज्जत के ही आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको कैसे आते हैं, क्या मतलब है? नहीं मुझे भी, मुझे भी हमें मेल फीमेल जितने वो कोई खून से खत लिखने वाली एहसन को फैन मिली, एहसन को इतनी दुआओं के और इतने प्यार भरे मैसेज आते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि ये हमारा बेटा है और वो इस तरह एक प्यार झलकता है लोगों में। असल में लोग हमारी फैमिली से प्यार करते हैं, मियाँ बीवी से, अब बच्चों से भी, तो वो कभी इस तरह का मैसेज को कभी एक आध आता है कि ये क्या किया और ये क्यों कर रहे हैं, वरना यही आता है कि जी हम तो आपके फ़ैन हैं और आपको मानते हैं और आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, इस तरह के भी आते हैं मैसेजेस। तो जनाब रेम्बो और साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, और गेम बड़ी आसान सी है, और गेम के रूल सिर्फ ये हैं कि एक सादा सा सवाल इनसे पूछा जाएगा जिसका भी हमारे गेस्ट को जवाब देना है इन 5 seconds, लेकिन शर्त यह है कि जवाब भी 3 तरह के होने चाहिए। तो हमारी टीम ने मेरे ख्याल से सख्त फंसाने की कोशिश की है, जवाब 3 है और टाइम 5 seconds है। 5 seconds का तो लेडीज फर्स्ट, आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शोहर अपने बीवियों को किन नामों से ज़्यादा बुलाते हैं? जानू, जान, जिंदगी। अच्छा ठीक है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो शादी से पहले शोहर को अच्छी लगती थी मगर वो शादी के बाद उसी बात से चिढ़ना शुरू हो जाते हैं? शॉपिंग, नखरे और बेटाइम प्यार। ओके। शादी के बाद शोहर बीवियों की कौन सी ऐसी आदत है जो बदलना चाहते हैं? 3 आदत। मेकअप करने की, तैयार होने की, और कहीं नखरे करने की, और इसके अलावा और गुस्से की। 5 seconds आप। अच्छा, शोहर बीवी को अपना मोबाइल दिखाने से घबराते क्यों हैं? नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये 5 seconds अब स्टार्ट करें। वो इसलिए कि नंबर्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे आए होते हैं, फिर उसके अलावा कोई कुछ हो भी सकता, कुछ और भी हो सकता है। वो दूसरी जिंदगी का नाम प्लम्बर से तो नहीं रखा होता, कोई तो पैसा भी हो जाता होता है। शुकूर, वो पता चले शुकूरन है। बिल्कुल। अच्छा जी रेम्बो, आपसे सवाल ये है कि अक्सर बीवियां शोहरों को किन बातों पर ज्यादा ताने देती हैं? यूजुअली आपने भी ऑब्जर्व किया, ससुराल ना लेके जाना रोज रोज, हालांकि रोज भी जाओ फिर भी कहती है महीना हो गया। शॉपिंग भी, शॉपिंग पे 2, और तीसरा लेट वक्त पे नहीं आए, वक्त पे घर नहीं आए। ये तीनों आपके साथ भी अक्सर होते हैं? ये लेट कर रहे हैं, मैंने जल्दी जवाब दिया। आपने जल्दी दिया। नहीं मुझे देर सवेर का तो काम नहीं, के, काम के अलावा। आप शोहर बीवियों की बात करें ना, शोहर बीवियां हमारी तरह नहीं होते काफी, ये तो है। आप नॉर्मल लोगों की बात करें, देर से आने का इन्होंने कभी नहीं कहा, क्यों नहीं आए अभी तक, की तरह क्यों, कभी नहीं हुआ। मेरा काम खत्म होता है मैं सीधा घर आता हूँ, अगर काम खत्म नहीं होता तो इन्हें पता है काम ही। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कभी आपको ताना ना पड़ा, वो तो वो बेगम ही क्या जो टॉन्ट ना करे। नहीं नहीं कभी भी, कभी नहीं ऐसा हुआ। मुझे तो ये कहती है जाए रिलैक्स हो जरा, लड़कियों के साथ घूमा। तो बड़े खुशकिस्मत है आपके, भाई बेगम की तरफ से इस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं। मुझे आपने वाकई बोला कि लड़कियों के साथ घूमा करें या बस ऐसे सरसरी मतलब गुस्से में बोल दिया कभी? नहीं नहीं, इनकी जो कुलीग्स वगैरह होती हैं मैं कहती हूँ उनसे हंसी मजाक करें, मतलब वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बता दिया करें फिर बाद। नहीं नहीं बताएं ना भी, अगर वो दिल में चोर हो ना तो फिर बार बार इंसान बताता है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा, बीवियाँ शोहर के पैसे कहाँ खर्च करने पर बहुत चिढ़ती हैं? शोहर के पैसे खर्च करने पर उनके ससुराल में। और और
अपने घर ससुराल पे ना खर्च करने पे भी चिढ़ती हैं। ठीक है, और तीसरा ये है कि अगर वो अपनी शॉपिंग ज्यादा करें और उनको कम करवाएं। हाँ, जो कि इस केस में मेरे ख्याल से होता होगा, जो आप बता रही हैं कि इनकी जो वार्डरोब है वो बहुत ज्यादा है। नहीं, ये तीनों काम हमारे साथ नहीं होते, चुपके होते हैं वो एक टाइम। नहीं, मियां बताते हैं जैसे कि इनके ससुराल में, इनके ससुराल में मैं ज्यादा खर्च करती हूँ। बहुत खर्च करती हैं आप अपने ससुराल में? ज्यादा खर्च करती हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, जाता ही नहीं। कंजूस कौन है ज्यादा? जाता ही नहीं कंजूस, दोनों नहीं है। दोनों मतलब उस तरह है कि बचत खर्च कौन है? अपनी जात के लिए हम दोनों बहुत कंजूस है। अपनी जात के लिए तो 10 दफा सोचेंगे ये लेना है कि नहीं। बच्चों ने कुछ मांगा है या किसी और के लिए कुछ करना है तो उस वक्त हम नहीं सोचते। वेरी गुड जी। बीवियां शोहर से किन बातों पर सबसे ज्यादा लड़ती हैं, और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये किस बात पर आपसे ज्यादा लड़ती हैं? किस बात पे ज्यादा लड़ती हैं? बहुत सारी बातें हैं। तीन बात सबसे ज्यादा तो यही है कि फोन पे लॉक लगाने से। नहीं नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, इस पे भी लड़ती हैं। लॉक क्यों लगा हुआ है? फिर रिश्तेदारों से वो आपके बहुत आते हैं या आप बहुत जाते हैं, हर दूसरे दिन जाना पड़ता है, ये क्या है? यही बातें हैं, यही बातें हैं। और ठीक है, ये आपने साहिबा की नहीं बताई अभी? नहीं, ये तो बल्कि ये तो लड़ती नहीं है ना ये। नहीं, मैं ये जो अपनी केयर नहीं करती बिल्कुल, ये मुझसे लड़ती हैं कि मैं अपना ख्याल नहीं करता। कैसे? इन टर्म्स ऑफ क्या नहीं करती अपना ख्याल? क्या वक्त पे सोते नहीं है, वक्त पे खाते नहीं है? हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं। और अपना मतलब अपनी ड्रेसिंग अच्छी नहीं करते, अपनी स्किन का, बालों का, फेस का बिल्कुल ख्याल नहीं करते आज तक। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी कोई स्किन केयर जो है वो किट बनाकर इनको दे दी हो, कोई अपना सनब्लॉक पकड़ा दिया हो, अपना मॉइस्चराइजर कभी उनको दे दिया हो? एक सनब्लॉक मुझे इन्होंने लेके दिया था, 6 साल हो गए, खत्म ही नहीं हुआ। तो एक्सपायर हो गया होगा वो कब का? अच्छा, कोई एक किस्सा, कोई ऐसा कोई वाकया जो इनके साथ हो, किसी के साथ शेयर ना किया हो, कोई मेमोरी में हो, बड़ा मजे का हो? किस्से तो हमारे इतने हैं, शूटिंग्स के हैं, उससे बात के हैं। कभी एक इंसान ट्रैवलिंग पे जाता है तो बहुत सारी चीज़ें नई नई होती रहती हैं, नई नई साइड एक्सप्लोर करने को मिलती है, यू नो, एक बार नया पर्सनालिटी का कोई ना कोई हिस्सा जानने को मिलता है। कभी ऐसा हुआ? क्योंकि सफ़र में इंसान एक दूसरे के बारे में बहुत जानता है। अच्छा, मुझे सफ़र का ये है कि अगर मैं कोई जगह जा रही हूँ तो मुझे वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। अच्छा होटल, अच्छा खाना, अच्छा होटल, अच्छा खाना, साफ सुथरा, अच्छा घूमना फिरना, अच्छी शॉपिंग, कमरा साफ सुथरा। कमरे में एक दफा लड़ाई हो गई थी। हम अब एबटाबाद में हवेलियाँ रहते हैं ना, तो एबटाबाद 12 किलोमीटर का फर्क है। गर्मी शदीद थी तो वहाँ पे ना इसका वो कम है, बिजली का वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज का 220 नहीं है, वोल्टेज कम थी। तो एसी दूसरे थे, ये वाले नहीं थे आजकल जो कम बिजली पे भी चल जाते हैं। वो ट्रिप कर रहा था तो ये अब बच्चों को भी आदत, इनको भी अब एसी के बगैर सोने की। शादी से पहले इसने कहा था जी झोंपड़ी में रखेंगे रह लूँगी, जो खाने को देंगे खा लूंगी, लेकिन उसमें झोंपड़ी में एसी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये एक इन्होंने। और खाने में दाल में भी चिकन मटन होना चाहिए। खाने में दाल हो लेकिन उसमें चिकन या मटन, ठीक है, ये बाद में पता चला। अच्छा, तो अब मैं एबटाबाद चला गया। एबटाबाद अब 8-10 ही होटल थे उस वक्त, तो अब तो काफी ज्यादा हो गए हैं, तो जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर एक जगह मैं गया जिस में हम शूटिंग में ठहरते थे, तो उस वक्त कमरे ठीक थे। जब हम जाके वहाँ ठहरे तो वो उस वक्त कुछ और बदल गया था। अब लेटे तो कह रही है जी मुझे बिस्तर में से स्मेल आ रही है, और कुछ उतनी सफाई भी नहीं थी जितनी पहले थी। अब 1 घंटा हुआ था, थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो रो रही है। ये किस्सा मैंने नहीं सुनाया किसी को, यही है पहली दफ़ा आपके शो में। तो मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा क्या हुआ? आपने मुझे गंदे कपड़े में सुला दिया। मैंने उसी वक्त सामान उठाया, बच्चों को उठाया, फिर मैंने फोन किए ढूंढ ढांड के, फिर हमें एक गेस्ट हाउस मिल गया। उसका कमरा देखा, वो साफ आया, इसने चादर वादर देखी, कहती है ठीक है, फिर हम वहाँ जाके सोए। अच्छा, ये शादी के कितने साल के बाद? दोनों बच्चे हो चुके थे, दोनों बच्चे हो चुके थे, 5-6 साल बाद। नहीं, वो ऐसा हुआ कि वो काफी गंदा था, अगर थोड़ा बहुत होता तो मैं कर लेती। बाथरूम गई, बाथरूम गंदा, बिस्तर पे लेटी, वहाँ सिगरेट की वो गिरी हुई स्मेल आ रही, और कीड़े, सिगरेट की गिरी हुई नहीं थी, सिगरेट की स्मेल थी, स्मेल थी। अच्छा, और छिपकलियाँ यूं ऐसे, वो एक दो छिपकलियाँ नजर आ रही। सो गए, सो गए थे उस टाइम, और आप नहीं परेशान हो गए थे, सोने वाले थे, बदरी नहीं किया अपने बेड के अलावा। ये तो कहीं भी सो जाए, इस कुर्सी पे सो जाएंगे, वहाँ सो जाएंगे, घास पे सो जाएंगे, कहीं भी सो जाते हैं।
मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये किस्सा सेम जो आप बता रहे हैं ना, ये सेम मेरे साथ भी हो चुका। एबटाबाद की गालिबन बात है और शादी के बहुत शुरू के दिन थे। अच्छा। और हमने आगे सफर भी करना था, नारायण का गान नारायण जा रहे थे। ये हुआ और मैं शादी के शुरू में बेगमात खामोश और अच्छा बन रहे हैं, अच्छी अच्छी साइड दिखा रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा जब हम नारायण या कागान गालिबन स्टे हुआ, और जी मेरे मियाँ साहब 9 बजे सो गए और मैं वो कमरे की हालत देख रही हूँ कि ये क्या है। और वो पूरा बुक था क्योंकि हम पीक सीजन में गए थे, कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी और पता किया कहीं नहीं। तो मियाँ साहब सो गए और मैं बैठ के रो रही हूँ कि ये बंदा सो गए। सो कैसे है, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कहाँ आके बैठ गई हूँ। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, बस इसको मेंटेन नहीं किया गया। हालांकि वहाँ पीसी भी है एक, लेकिन वो पीसी अगर आप पीक सीजन इतना सा पीसी है, और अगर आप पीक सीजन में जाएं तो हमें जगह वहाँ पे नहीं मिलती, नहीं था रूम, और नहीं था। नेक्स्ट डे सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस जगह को देखने के लिए आप ट्रेवल करते हैं, सैफुल मलूक झील, वहाँ पे बड़ी प्यारी है। मेरी मियां ने कहा क्या करनी है देख के यार, चलो वापस चलते हैं। और मैं उस टाइम कन्विंस भी हो गई। अच्छा। और मुझे अब याद आता है कि यार ये कितनी बोरिंग बात थी, और मैं लड़कते यार तुम क्या 5 साल पुरानी बात लेकर बैठी हुई हो। वो बाद में रियलाइज होता है। आप अगर इसको खातून के टेंट्रम समझे तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये आपकी बेसिक नीड है। यस। अगर मुझे घूमने जाना है तो अगर मैंने ऐसी जगह पे रहना है तो मुझे घूमना नहीं है, मुझे घर ठीक। अब एक मसला शुरू में ये होता था, अब मोटरवे बन चुका था लेकिन हमारी शादी के वक्त तो अभी वो ओपन नहीं हुआ था। अच्छा। तो जीटी रोड से ज़ारा अम्मी अबू पिंडी होते थे, तो मुझे जाना होता था। जब भी गैप मिला तो हम निकल गए। अब जीटी रोड पे वॉशरूम उस वक्त, अब ये जो है ना कि पेट्रोल पंप्स ने वो बड़े अच्छे खूबसूरत साफ़ सुथरे कर दिए। अब एक प्रॉब्लम होती थी मुझे जगह जगह रुकना, इन्होंने कुछ 6 दफ़ा तो रास्ते में रोकना है वॉशरूम के लिए। तो एक दफ़ा मुझे कहती हैं अब कितना सफ़र रह गया, मैंने कहा 2 वॉशरूम। इतना इनकी हो। और मेरी एक आदत है कि मैं जब गाड़ी पे बैठता हूँ ना, तो जहाँ रुकना है ना 4 घंटे 5 घंटे, तो मैंने वहीं जाके रुकना है। ना मुझे भूख लगती है ना मुझे वॉशरूम। अरे यही तो मज़ा आता है ना ट्रैवलिंग का, खाना पीना और इस तरह से रुकना देखना। कोई खाने से इंटरेस्ट है शोहरों को होता है कि बस ना आपको कोई, हाँ कुछ भी नहीं, बस जहाँ जाना है वहाँ पे एंड में जाकर। उसमें मैंने एक बात अभी मैं कैमरे के सामने कर दूँ, कोई इसमें क्या हर्ज है। वो जो उस वक्त के वॉशरूम जैसे भी होते थे, पहले जाके मैं साफ करता था फिर मैं इनको भेजता। अब तो बड़े वाह चाहिए, नहीं देखे प्यार तो फिर देखी, ये तो ये मुझे तो कोई पता नहीं, ये नहीं, ये जाके वापस आ जाती थी कि नहीं मुझसे यूज ही नहीं हो रहा, नहीं हो पा, मैं यूज हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, ट्रैवलिंग पार्टनर कैसे हैं वैसे? ये अच्छे हैं, जब जाते हो किसी जगह पे तो घुमाते फिराते हैं, नए नए खाने खाना। मैं बहुत बुरी, ये बहुत बुरी है सफर के, जाके सो गए और बस रेस्ट कर रहे हैं होटल पे। वैसे तो घर में गाड़ी मैंने स्टार्ट की, घर से बाहर निकली, हमने अब एबटाबाद जाना, ठीक है, 5 घंटे का 6 घंटे का सफर अब मोटरवे से तो है, वरना तो 7-8 घंटे का था। अब ये बैठी हैं तो अभी हम कलमा चौक क्रॉस किया, अभी ऐसे करके हम जीटी रोड पे या अब मोटरवे पे भी चढ़े तो हल्की थोड़ी सी देर के बाद। अच्छा, सो गई। सोना है या नहीं सोना, ना बात करनी है ना आँख खोलनी है। तो मैंने कहा इसके लिए फिर मैं एक और शादी कर लूं जो मुझे सफर में कम से कम टाइम तो बैठी है। अभी आप तो बैठी ना, म्यूजिक सुनना है। और म्यूजिक नहीं सुनने देना। अच्छा। नहीं नहीं, मैं तो आपको तो सुनने देती हूँ। अब ये वो गाने सुनते हैं जो कोई भी नहीं सुनता। हाँ, एक पेज पे आना म्यूजिक के मामले में सफर के दौरान। वैसे भी नहीं सुनती, वैसे भी म्यूजिक का शौक नहीं है। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है जिसके लिए प्लीज आप दुआ करें, सफर के लिए कोई बंदोबस्त हो जाए। मुझे याद है जब मैं अपनी शादी के बाद हनीमून पे गई, और मैं सुबह सुबह ना उठ के 7 बजे फ्रेश हो गए, और यू नो ब्लो ड्राई करना और फिर कर्ल्स करना फिर मेकअप, कि भाई आराम से 9 बजे उठेंगे और सुबह 9 बजे घूमने फिरने चले जाएंगे। तो मियाँ साहब अब नई नई शादी पता भी नहीं है, शादी से पहले तो कुछ और ही मोहब्बत। ये मैं अभी बताता हूँ क्या भाई, और वो भी उठ ही नहीं रहे, 12 बज गए। और मैं कह रही हूँ भाई क्या करने आए हैं यहाँ पे, घुमाओ फिराओ खिलाओ पिलाओ कहीं लेके जाओ। तो मुझे बड़ा ऑफ किया कि ये तो मैंने किसी और से ही शादी की थी, उमेर से, तो ये तो सोने का बंदा बड़ा शौकीन है, तो मैं तो फंस गई। तो आप दोनों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, या कौन ज्यादा? इनको सोने का शौक है। हाँ। ये अपनी नींद पूरी ना कर लें तो ये नहीं उठती, मैं मुझे जब मर्जी उठा लें, मैं आधा घंटा सो के भी फ्रेश हो जाता हूँ, और कभी कभी सारी रात जागता रहता हूँ, ये सोती रहती हैं, फिल्म देखता रहता हूँ, ये फ़ोन आ जाए तो चुपके से। अब हमारी ये एक आदत है कि हम कोशिश करते हैं कि एक सो रहा है दूसरा ना उसकी नींद ख़राब ना हो।
नंगे पांव हल्के हल्के बाहर जाके फोन, ये तो केयर भी है और ये प्यार भी है। मैं सो रहा हूँ तो ये ऐसे करती हैं, ये सो रही हूँ, फिर अगर हम दोनों सो रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी यही आदत हो गई है तो हमारा दरवाजा खुला रहता है, तो वो कभी भी आधी रात को ना अचानक आते हैं, वो देखते हैं सो रहे हैं तो फिर वो हल्के से वापस चले जाते हैं, वो भी दिन रात में 2-3 चक्कर जरूर लगाते हैं। चलिए अगर मैं भी आपसे पूछूं कि इनकी कोई एक आदत आपको, अब शादी को माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं? काफी साल हो गए माशाल्लाह। नंबर देखें, भूल गए हैं, वो भूल गए हैं नंबर। 23-24 साल हो गए हैं, तो 24 साल के बाद अगर आपको साहिबा की कोई एक आदत तब्दील करनी पड़े तो करेंगे या अब भाई गुजर गई, अब जो है बस ठीक है, अब क्या चेंज करनी है आदत? देखिये मर्द को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कहीं जाना है तो लड़कियां तैयार होने में, बीवियां, लड़कियां हाँ। नहीं, बीवियां तैयार होने में टाइम लगाती हैं। ये, मैं यहीं पे आपको रोक दूंगी, टोक दूंगी, क्योंकि आज जो है वो आपने ज्यादा टाइम लगाया। मैं वो बता रहा हूँ ना, इनको मैं 10 मिनट पहले कहता हूँ जी वो मैं भूल गया था वो फलां जगह जाना है, अच्छा तो ये 5 मिनट में गाड़ी में होती है, क्या बात है, फिर इनकी ऐसी ट्रेनिंग होगी ये चलती गाड़ी में मेकअप कर लेती है। वेरी गुड, वो हमने एक झलक आज यहाँ पे भी देखी है वैसे। हाँ हाँ, तो इसने मुझे कभी ये इंतजार नहीं करवाया गाड़ी में के अभी नहीं जा सकती, अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। अच्छा साहिबा जी, आपसे भी यही सवाल, एक आदत जो बड़ी आपको लगता हो इरिटेटिंग है और ये तो काबिले बर्दाश्त नहीं है, इसको तो चेंज हो जाना चाहिए, या आपने बड़ा सफर किया उस पे, बड़ी तंग हुई हो, बड़ा गुस्सा आया हो, क्या बताओ, क्या जवाब? 2-3 है ना, इसलिए मैं आपको कौन सी वाली एक बता दो जो बहुत ज्यादा वो है। एक तो खाने पीने में जो खाना दे वो खा ले और जो मैं कहूँ वो खा ले, क्योंकि बड़ी क्लीन डाइट होनी चाहिए, ये फजूल चीजें भी खाते रहते हैं, और एक अपनी ड्रेसिंग वगैरह ना तैयार होकर, ये मेन है। मैं कहीं भी जाता हूँ ऐसे ही चल पड़ता हूँ, ये बहुत नाराज होती हैं, फिर कहना छोड़ दिया यार आप हीरो हैं आप फलान, मैं कह यार मैं इजी हूँ, मैं अब मतलब हीरो हूँ तो मैं आम जिंदगी में भी हीरो बन के फिरता रहूँ। लेकिन वो हीरो वाले टेंट्रम्स हैं रियल लाइफ में वैसे, या वो सादगी वैसे भी है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी भी। तो ये आपके लिए शॉपिंग पसंद करती हैं, कपड़े शर्ट्स लेकर आती हूँ, महंगे तोहफे ला के देती हूँ? बहुत कम इनके लिए, आपके लिए शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि इन्हें शर्ट्स और चीज़ें चुभती बहुत हैं। अच्छा, पसंद की नहीं आती है? साथ में जब होती है तब कहती हूँ कि ये भी ले लें, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लें, वो ये सोचते रहते हैं, मैं कहती हूँ ले लें ले लें ले लें। कई कपड़े मैंने आज तक इसलिए एक दफ़ा पहन के छोड़ दिए हैं, वो मैं उनमें तंग होता हूँ। अच्छा, 1-2 घंटे लगाएंगे खरीदने में और फिर पता चलेगा कि जी ये जब घर चला गया तो ये तो चुभ रहा है इनको। अच्छा, खाने में वो बात कर रही हैं तंग हैं और कीड़े आप निकालते हैं, तो ख़ुद भी बेगम को कभी वीकेंड्स पे कुछ बना के स्पेशल खिलाते हैं, और क्या बना कर खिलाते हैं, फेवरेट डिश क्या है इनकी? इनको ये देसी खानों के अलावा कुछ भी बना के खिला दो। और आपको देसी खाने पसंद है? एक दफ़ा मैंने इनको वो उसमें हमने अपने मीडिया उस पर लगा दिया था, यूट्यूब पे भी मैंने इनको एक ऑमलेट बना के खिलाया था, वो मैंने किसी का इंडियन था वहाँ बना रहे थे, हम नाश्ता करने गए थे, वो लंदन था या शायद कोई, वो मुझे बड़ा मज़ेदार सा लगा तो मैंने उसका जाके देखा बनाते हुए, फिर वो मैंने एक दिन इसको बना के दिया, वो बड़ा पसंद आया। इस तरह की चीज़ें, कुछ सैलड बना दूँ वो शौक से खाती हैं, बॉयल चिकन शौक से खाती हैं, उसमें कोई मेहनत ही नहीं है, वो इस तरह का इनका शौक है। बॉयल के ग्रिल्ड, ग्रिल्ड सॉरी ग्रिल ग्रिल चिकन वो खा लेती हैं, कुछ बाकी ये निहारी पाए वो उनका शौक नहीं है। अच्छा, जब आप जाते हैं पुराने अपने आबाई इलाकों में जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सब लोग बहुत प्यार करते होंगे, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे वाक़े उन गलियों से, उस मोहल्ले से जुड़े होंगे, कोई एक बात जो आपकी मेमोरी में अभी तक है, कोई एक चीज़ जो आपको उदास कर देती है वहाँ पे जाके? वो अब वो सारे दोस्त नहीं हैं, सब एक तो उस जगह से निकल गए हैं और रश बहुत हो गया है और सारे इकट्ठे नहीं होते, 2-3 ही मिलते हैं, वो जो टाइम आता है ना याद के, 15-20 दोस्त एक ही, मेरा मेन रोड पे घर था और है, उस सामने सारी दुकानें थी और वहीं बैठे रहते थे हम, एक तो वो बड़ा होता है, दूसरा ये है कि अभी भी मैं अगर वहाँ जाता हूँ ना तो मैं अपने रोड पे इसी तरह घूमता फिरता हूँ, उन दुकानों पे जाता हूँ, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि मैं मतलब बाहर नहीं निकल रहा हूँ, वो इस चीज़ को वो कहते हैं कि यार आप बदले नहीं हैं। दुकानदार कुछ पुराने दुकानदार भी वैसे हैं, अभी मैं जाता हूँ तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, कोई चीज़ लेने खुद भी नीचे उतर जाता हूँ, बाहर तो वो सारी जगह, वो सारी शहराएं, वो घर सब
वो इनको याद दिखाया सारी यादें सारी जब हम वहाँ एंटर होते हैं ना इनके इलाके में ये सारे वाकयात के यहाँ मैं यहाँ से ये लेता था यहाँ ये करता था यहाँ इस दोस्त के साथ होता था वो सारे बताने लग जाते हैं हमेशा हर दफ़ा। और बचपन की यादें बड़ी प्यारी होती हैं वैसे भी। अच्छा अभी भी जब तन्हाई में आप लोग होते हैं अकेले बैठते हैं, अब नेटफ्लिक्स का भी दौर आ गया है, बहुत सारे चैनल्स मीडियम्स आ चुके हैं, तो इकट्ठे बैठ के मूवीज देखते हैं आप लोग? और हाँ। किस तरह की मूवी देखते हैं? लास्ट कौन सी देखी थी? रात को हम रोज देखते हैं। अच्छा तकरीबन लास्ट हमने वो क्या सीजन देखा है एरन कार्टर का, वो सीजन देखा हमने, वो खत्म किया। क्या था वो, कौन सा? आई एम एरन कार्टर या तो कब देख रहे हैं आपको जी? अभी कोई प्रोजेक्ट इकट्ठा आ रहा है, बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगे आप दोनों एक साथ? कोई ऐसा खत्म हो गई है, अब साल में अगर 10 फिल्में बन रही है तो वो सारी अपनी बना रहे हैं लोग, तो वो अभी हमारा खुद का बनाने का इरादा नहीं फिलहाल। तो बच्चों, अब तो बच्चों का टाइम भी आ गया माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। बड़ा बेटा तो माशाल्लाह उसने काम प्रॉपर स्टार्ट कर, अभी माशाल्लाह वो गया हुआ अपना हम टीवी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो टिप्स देते हैं आप, बैठते हैं रात को डिनर टाइम पे कोई? नहीं, वो जब उसने पहली दफा कहा ना, उससे पहले कभी नहीं कहा कि मैंने काम कर। आपका क्या रिएक्शन था तब? तो अमेरिका गए तो मैंने कहा इधर से डिग्री ले लो, एडमिशन करा दें। अच्छा। ये पिछले साल और पढ़ लो आगे। तो वो कह रहा है बाबा डिग्री लेके भी क्या ही करना है? तो मैंने कहा क्या करना है? कहता है मैंने वापस जाना है, काम करना है। मैंने कहा कौन सा? कहता है जो आप करते हैं। उससे पहले कभी वो मॉर्निंग शो में कभी बुलाया तो कभी कभी नहीं गया। कहता है मैंने नहीं जाना, मैं क्यों जाऊँ? तो फिर रमज़ान में हमने एक ड्रामा और इत्तेफाक से हम इकट्ठे ही थे उसमें, तो उन्होंने कहा जी कैसन को भी लेना है। उसमें मैंने उसे देखा काम करते हुए, तो फिर मुझे उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा कि नहीं ये कर लेगा। अगर वो होता तो मुझसे कहता भाई ये पढ़ और इधर कोई काम कर या नौकरी कर, क्योंकि साढ़ा नाम ही ना डुबो देवे ना। तो लेकिन वो अल्लाह ने उसको एक तो शक्ल व सूरत दी है और हाइट दे दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और काम की भी उसे समझ है। उसके अलावा कंपटीशन आपको लगता है ज्यादा है, टैलेंट है, लेकिन टाइम भी टफ है। हाँ। आपको लगता है जगह बनाना अगर आप कंपेयर भी करते होगे तब आसान था या अभी ज्यादा चैलेंजेस? तब भी मुश्किल था और अब आसान भी, अब मुश्किल भी। अब तो आपको चांस फौरन मिल जाता है, कहीं ना कहीं नहीं मिलता था। अब सोशल मीडिया से आप देखें कितने स्टार, लेकिन तब एक चांस मिलना मुश्किल था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी तो आप अपनी एक कोई फजूल सी वीडियो बना लो आप स्टार बन जाओगे हर घर में, अगर वायरल हो गई। एक नहीं सारे ही एक्टर हैं अब तो हर घर में। लोग हमें कहते हैं जी आप ये बड़े नाचते हैं, ये बड़े डांस करते हैं, अब तो हर घर में एक एक्टर है और डांस की वीडियो लगे जा रही हैं, धड़ाधड़ लगे जा रही है। ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपनी को फीमेल फैंस का कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करें। बहुत है ना वो आपका शो, फिर आप काट के छोड़ देंगी, पूरा लगा नहीं सकेंगे। कोई सुनाएं, कोई जो ऐसा हो जो बेगम के सामने शेयर किया जा सकता हो, कोई ऐसा किस्सा ना भी किया जा सकता हो, वो भी, ना वो भी नहीं, सुना चले जो किस्सा ना शेयर किया जा मेरी सकता जितनी हीरोइन जो मैं, इनके नॉलेज में ना हो आज वो किस्सा शेयर करें हम उनका रिएक्शन। मेरा एक फैन क्लब है जिन्होंने मेरी बुक निकाली हुई है, उससे मुझे पता चला कि मैं 31 हीरोइनों के साथ काम किया। मैंने तकरीबन 200 से ऊपर फिल्में की हैं जिसमें 31 हीरोइनें थी, लेकिन नाम वाली तो 6-7 ही थी। वो जो 6-7 नाम वाली थी जिनके साथ काम करता रहा हूँ, जो नई भी आई हैं, नई इन शादी के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया है। तो एक तो वो इनकी सहेली थी, फिर उनको पता चल गया था कि जी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो मैं एक मेरी आदतें ऐसी थी, मैं इज्जत इतनी करता था किसी भी, अभी भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सबका मैं भाई भाई लगने लग पड़ा और भाई बन गया, हीरो भी हूँ और भाई भी हूँ। तो फिर इसकी वजह से भी वो कोई ऐसी बात नहीं होती थी, तो वो मुझे वैसे रिस्पेक्ट करती थी कलीग के तौर पे भी और इसके तौर पे भी कि जी हमारी दोस्त का होने वाला ये मियाँ है। तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन फ्री हम बहुत थे रीमा के साथ, नरगिस के साथ, रेशम के साथ, हमारी बातें फ्री, मेरा मजाक भी था और
हम काम करते थे, काम किया अब तक काम, और फिर उसके बाद हमारा फैमिली में उठना बैठना भी, उनका आना मेरे घर में गैदरिंग बहुत मैं करता था कि जब भी कोई मौका मिलना तो मैंने घर में रख लेना और सबको बुला लेना, तो बड़ा। तो शादी के बाद कोई फीमेल फैन ऐसी जिस घर तक आ गई हो या कोई रॉन्ग कॉल्स आ रही हो? शादी से पहले एक खातून आई थी। अच्छा। तो उसको स्टूडियो से वो बड़ी मुश्किल से भेजा कि इसको वापस भेजें, पता नहीं किस शहर से आ गई थी, कि मैंने इधर ही रहना है और काम भी करना है और आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा जी इधर ही रहना और काम भी, लेकिन काम भी करना है और काम भी रहना भी आपके साथ ही। अच्छा। तो हमारी शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, उसको वापस भिजवाया और कहलवा के किधर से आई है, जाके स्टेशन वापस छोड़ के आए। अच्छा, मुझे बताइएगा साहिबा, पहले मैं आपसे पूछूंगी, कामयाब शादी के लिए क्या बहुत ज़रूरी है, आप क्या देखती हैं आजकल के जो स्पेशली जो यंग कपल्स हैं? नहीं, एक और बात, एक शादी के बहुत अरसे बाद लंदन से मुझे शादी की ऑफर भी थी और उनको याद आया, उनको एतराज़ भी नहीं था कि बेगम को एतराज़ नहीं था, नहीं उनको नहीं था कि ये भी हैं, कहती हैं जी जब इधर आए तो हमारे साथ रहें, दोनों आप आ जाएं। अच्छा। और उधर ये ऑफर तो, वो तो करवा सकती है। हाँ, तो ये उनके लिए तो ये ऑफर हो सकती है, लेकिन तो किसी ने मुझे नहीं कहा था। हाँ। किसी के थ्रू आया था, तो जिनको उन्होंने कहा उन्होंने भी कहा कि ये बात कभी करना भी ना, तुम्हें पता ही नहीं है उनका, इनका या इनका दोनों का, दोनों का नहीं पता। तो फिर ये बात आपने खुद शेयर की? नहीं नहीं, उन्होंने हमें खुद बताई कि फलां जो है खातून वो शादी करना चाहती। नहीं, मैं तो ये बैठी थी, नजरों से ही खा जाती हूँ। सामने आ जाएगी तो फिर क्या होगा? ये जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना मेरी, खा जाती हूँ मैं। तो ऐसी बात नहीं कि मुझे मतलब कभी ऑफर नहीं है, बात होती रहती है। कभी कभी शक हुआ शौहर पे, फोन चेक किया हो, पासवर्ड पूछा हो, इनबॉक्स जाके देखती हूं कभी? मुझे हाँ, वो मैं वैसे चेक कर लेती हूँ, इसलिए कि कई मैसेजेस आए होते हैं जवाब ही नहीं देते, लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि वो जी फोन नहीं उठा रहे, मैं इसलिए कभी चेक कर लेती हूँ, वरना दूसरी तरह नहीं। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि कामयाब शादी का जो भी यंग कपल जिसे हम देखते हैं कि शक करते हैं या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शादियां कमज़ोर पड़ रही हैं, क्या टिप देना चाहेंगे उनको या क्या एडवाइस करना चाहेंगे साहिबा? पहले आपसे अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करना, हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना, उसके अलावा टॉलरेंस और पेशेंस, ये चीज़ें ये ख़त्म हो गया लड़कियों में, ये करना पड़ता है, एक टाइम आता है। ये चार बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं और ये शुरू के 2-3 साल जिसने कर लिया फिर उनकी शादी चल। और सिंसियरिटी पांचवी, वो तो ऑब्वियसली। और मैं ये कहूँगा कि अपनी लड़ाई जो है ना दोस्तों तक लेके जाएं ना अपने रिश्तेदारों तक लेके जाएं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह आपकी भी, हम शादी से पहले का भी जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स पे हमने बात की है कि जिस तरह अम्मा भी फिल्म स्टार और सेट पे भी आ रहे हैं तो यू नो 2-3 मुलाजिम और एक यू नो शान शौकत के साथ, और अम्मा फिर मान भी नहीं रही शादी के 6 साल तक, कन्विंस भी किया है, फिर जब शादी हो रही है 2 different backgrounds हैं, एडजस्ट भी होना पड़ रहा है। तो कभी वो आजकल तो हम देखते हैं ना कि बच्चियाँ या लड़कियाँ फ़ौरन अम्मा को हर बात बताई, मशवरा लेना शुरू किया, ऊट पटांग मशवरे भी आ गए। आपने कभी ऐसा किया कि घर की हर बात अम्मी के साथ शेयर कर रही हूँ, उनसे मशवरा ले रही हूँ? अम्मी को कोई मशवरा देना हो मैं खुद देती हूँ, वो इतनी मेंटली मैच्योर नहीं है जितनी मैं बचपन से मैच्योर हूँ मेंटली। अच्छा। हाँ, और अपनी लाइफ में सीरियस। और हमने कभी भी अपनी कोई लड़ाई जो है ना दोस्तों में शेयर की है? एक फैमिली है जो हम आपस में शेयर करते हैं, जवेरिया साउथ, उनकी फौरन कोई अनबन होती है ना तो एक मिनट में फ़ोन आता है, जवेरिया को तक प्रॉब्लम हो तो फौरन फ़ोन करती है, साउथ को प्रॉब्लम हो तो फौरन फ़ोन। तो इसी तरह हमें जब कभी कोई होता है तो हम उनसे पहले सबसे पहले फ़ोन करते हैं, वो दोनों इनको ऐसा खींचते हैं कि ये सीधे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मेरी गलती है तो इनको ऐसा खींचते हैं? नहीं, मैं उनसे वो तो करती उसमें हमारा वो जो है ना वो बिल्कुल बहन भाइयों की तरह हमारा एक होनी चाहिए ऐसी। हाँ, लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स होना चाहिए, एक घर ऐसा होना चाहिए, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए, लेकिन आजकल दोस्त ऐसे मिलने बड़े मुश्किल हैं। तो अगर आप ऐसी लड़ाई अपनी फैमिली तक ले जाते हैं ना तो वो बाल सुलझाने की बजाय ना उलझ जाती है, ये मसला है। तो हमने कभी ये नहीं किया। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से यही कहूँगा जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं अभी अभी नहीं या जिन्होंने करनी है, तो बस वो जाके आपस में जितना लड़ें मरें अपने बंद कमरे में जो मर्जी कर लें,
एक तो सामने जाके लड़कियां अपने खावन की इज्जत जरूर करें, कमरे में बेशक तू तड़ाक करें, बिल्कुल, और सबसे पहले तो कोशिश करें ना कि आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करें, अपने मसले, और घंटे डेढ़ घंटे बाद वो खुद ही मसला सॉल्व हो जाता है, फौरन फोन उठा के ना, अम्मी मेरे साथ ये हुआ, अब्बू मेरे साथ ये, और भाइयों को तो स्पेशल नहीं बताना, भाइयों को नहीं बताना, मियां बीवी का रिश्ता है। आप तो लकी रहे ना इस मामले में, उन्होंने तो किसी को नहीं बताया, आप बहुत, मैंने देखे आप जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई ना, आप बहुत लकी रहे माशाल्लाह, बहुत मैं बड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे ज्यादा इनकी फैमिली से अटैच हूँ, और ये मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली से। निशो से भी जब मेरी मुलाकात हुई आपकी मदर से, निशो तो मेरी सहेली है, उन्होंने कहा ये तो मेरा दामाद नहीं, ये तो मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, और जी जी बिल्कुल ऐसे ही, कमाल की बात है। और जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो छोटा सा मैंने पाला है, शूटिंग पे इतना साथ जाया करता था, जब आउटडोर हम जाते थे तो मैडम और इनके वाले साहब अल्लाह बख्शे पाशा साहब वो साथ जाया करते थे, इसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, और ये अकेली आज तक शूटिंग पे गई ही नहीं, जाती ही नहीं है, लेकिन पिछले दिनों मैं इनके साथ शूट पे गई थी, तो मैंने उसका अपने चैनल के लिए व्लॉग बनाया कि वो दिन सारा दिन मैंने अकेले गुजारा, अकेले बाहर गई, रोड क्रॉस की, चाय पीने चली गई, मैंने कहा ये कहते इजाजत लेके गई है, मैंने कहा रोड क्रॉस नहीं कर सकोगे, कहते कुछ होती है हाइट। अच्छा बहुत सारे ड्रामास आ रहे हैं, देखते हैं आप लोग बैठ के रात को कोई प्राइम टाइम स्लॉट देखते हैं, फेवरेट हीरोइन कौन है, फेवरेट हीरो कौन है आपका? अब नहीं, तो अभी जो सारे लड़कियां काम कर रही हैं ना, वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, इतनी नेचुरल है, और इतनी काफ़ी लड़कियां तो प्यारी भी बहुत है, क्या बात है, सज्जल मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो जब स्क्रीन पे आती है मुझे लगता है मैं उसको खा जाऊं पता नहीं। और सज्जल की शक्ल भी मिलती है इनसे, दोनों की एक जैसी भी, वो बड़ी इसी तरह लड़के भी बड़े बड़े अच्छे। नहीं आप भी लड़की की तारीफ कर सकते हैं। नहीं लड़कियां तो सारी मुझे बहुत सारी लड़कियां पसंद हैं, काम बहुत अच्छा करती हैं। ये यासर की बीवी का क्या नाम है? इकरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी सबा कमर, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ी ये लोग खतरनाक आर्टिस्ट में इनको कहता हूँ, ये बड़े खतरनाक आर्टिस्ट हैं आजकल के जो बच्चे हैं, खैर वो मतलब सीनियर्स में आ जाती है ना, मैच्योर एक्ट्रेस हैं, लेकिन जो अभी ये जो है छोटी लड़कियां इनमें से ये, इनके लिए मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये खतरनाक एक्टर हैं। हां बड़े हीरो भी बहुत सारे, बहुत कंपटीशन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ड्रामास बहुत अच्छे बन रहे, हीरो भी कोई पसंद है? हीरो मुझे आजकल जो पसंद आया हुआ है बहुत ज्यादा, जिसकी एक्टिंग को मैं मान गई हूँ, मनी पैक गारंटी इनके साथ ही फिल्म थी, तो वो फवाद खान नो डाउट द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट फवाद खान, उन्होंने मनी पैक गारंटी में जो एक्टिंग की वो मैंने कभी देखी नहीं किसी एक्टर, गुड लुकिंग, चार्मिंग, मैच्योर भी, अगर आप उनके इंटरव्यूज भी, एक सीन में तो उन्होंने परेशान ही कर दिया मुझे भी, जैसे हॉलीवुड के परफेक्ट एक्टर होते हैं ना, मैं इंडियन एक्टर्स की भी बात नहीं कर रही, जैसे हॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिंग लगती नहीं एक्टिंग, और अंदर से निकल रही और एक्सप्रेशन, और आप फिर हैंडसम भी हो, सारा पैकेज एक साथ है, बहुत माशाल्लाह। थैंक यू सो मच साहिबा जी, रेमो जी, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, दिल की इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। जाने से पहले आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा मैसेज तो ये है अभी कि बहुत सारी बातें हैं ऐसे, आपके तो 10 शो हो सकते हैं, क्या बात है, अभी वो अंदर ही हैं। अच्छा जाने से पहले हमारा, मुझे लगता है कि पूरा प्रोग्राम ही मैसेजेस पे था, छोटे छोटे मैसेजेस थे, तो उन पे अमल करें तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह हसीन हो जाएगी। ये सिर्फ एक प्रोग्राम समझ के नहीं, ये सचमुच है, ऐसे ही है, इस पे अमल करें। और दूसरी आई थिंक कि जैसे आप जैसे कपल्स हैं, आप जैसे लोग हैं, उनको यू नो बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, अप्स एंड डाउन हर एक की ज़िंदगी में, यू नो स्टार की लाइफ के बारे में हमें सोचा था कि एक चमकती दमकती ग्लैमरस जिंदगी भी है, लेकिन उनकी एक ज़ाती ज़िंदगी भी अटैच्ड है, वो एट अ टाइम जहाँ पर आप उनको स्क्रीन पे देख रहे हो वहीं पे घर में माँ बाप भी हैं, वहीं पे मियाँ बीवी भी हैं, तो जब लोग सुनते हैं यू नो वो भी रिलेट करते हैं कि ये भी आम लोग हैं, इनकी भी वही चीज़ें, अगर ये सर्वाइव कर सकते हैं वाई नॉट अस। सो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने यू नो इतनी बातें दिल से शेयर की, अपने लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट कहानियाँ हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ आपने शेयर की, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना कहूँगा
बच्चियों से, ज़ाहिर है बच्ची ने घर बनाना होता है, आगे नस्ल को चलाना होता है, और सिर्फ बर्दाश्त करना सीख लें। और बहुत जल्दी जल्दी ना हम सुनते हैं रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते टूट, बड़ा दुख होता है। और शैतान के घर में ईद का दिन होता है जिस दिन मियां बीवी का रिश्ता टूटता है, यानी इतना मतलब ये ख़तरनाक काम है, और इतना मजबूत और इतना नाजुक रिश्ता है कि भी मजबूत इतना ज़्यादा है और नाजुक ही उतना ही है। तो बच्चियों को, जो आजकल बच्चियां ना, थोड़ा अपने आप को बर्दाश्त करना डालें। अगर आप वाहिद ये रिश्ता है जो टूट सकता है, माँ बाप बहन भाई का, वो तो वो कोई नहीं ना, कागजी रिश्ता सिर्फ है, ये रिश्ता है। तो मैं ये सिर्फ कहूँगा कि वो एक दो साल बर्दाश्त करें, छः छः महीनों में तलाकें हो रही हैं, इतनी जल्दी ना फैसले करें, इतनी जल्दी फैसले ना करें। तो और फिर उसके बाद जब आपकी तलाक हो जाती है तो फिर अगली जिंदगी आपकी और मुश्किल होती है, दोबारा शादी, तलाक याफ्ता औरत से शादी, अगर बच्चे हैं तो, और बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि जिनके घरों में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो खुदारा बर्दाश्त करके अपने बच्चों के लिए आगे मिसाल कायम करने के लिए, मुश्किल वक्त निकल जाता है, एक वक्त आता है कि सारे दिमाग ठंडे हो जाते हैं। अगर मियाँ नहीं अच्छा तो एक वक्त आएगा, वो आप थोड़ा बर्दाश्त करें तो ठीक हो जाएगा। जो नहीं ठीक होता फिर आप मुझे बताएं, मैं भाई बन के आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं उसे ठीक करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम जनाब ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।